चल चल हाँ ना चैनल। तो दोस्तों क्या बात करें, मतलब घर में टैंक बना लिया मतलब प्रोटोटाइप बना लिया घर में। खैर मजाक कर रहा था। तो भाई ये जो टैंक है ये कुछ कुछ असली है, लेकिन ये एक मॉडल ही है बस, और कुछ प्रोटोटाइप है नहीं। तो भाई टैंक तो पूरी तरह से तैयार हो गया। अभी दोस्तों इसकी एक प्राइमरी टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या कमियाँ हैं, और फिर इसको ठीक करेंगे, फिर फाइनल टेस्ट करेंगे। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। चलिए दोस्तों। क्या करना है?
So, दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से ये जो टैंक है ये सब कुछ के ऊपर से जा रही है, मतलब एक कार्डबोर्ड से बना टैंक के लिए मेरे ख्याल से ये काफी है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात वो जो रिकॉयल, वाओ, मतलब टैंक या आर्टिलरी के जो रिकॉयल होते हैं ना ब्लास्ट होने के बाद, वो जो पीछे की तरफ आते हैं ना भाई, उस फुटेज मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं हमेशा देख सकता हूँ। और मेरे खुद के बनाए हुए टैंक पे अगर ये रिकॉयल आ रही है, इसका मतलब है इस टैंक की जो गन है वो खतरनाक तरीके से बनी है। लेकिन दोस्तों सच बताए तो यहाँ पे मैं इस तरह की जो फायर क्रैकर्स होती है, लक्ष्मी बम बोलते हो आप शायद, तो ये जो फायर क्रैकर्स है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो फायर क्रैकर्स है दोस्तों, आपको पता है ये कभी बहुत ज़ोर से फटता है, कभी स्लो से फट जाती है, ठीक है, एक ही पैकेट से। तो इसीलिए दोस्तों मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना रिकॉयल देगा, लेकिन भाई रिकॉयल अच्छी दे रही है। इसका मतलब है जो लॉक है यार, मतलब एक बार स्लो मोशन यार, मतलब आप एक बार स्लो मोशन तो देखते रहो। तो ये जो जैसे कि आप देख रहे हो स्लो मोशन है ना, तो इसीलिए मेरे को पता नहीं, मतलब मैं इतना सोचा नहीं था कि ये छोटा सा बम इतना रिकॉयल देगा। लेकिन अगर रिकॉयल हो रही है तो भाई इसको थोड़ी सी और इंटरेस्ट बनाते हैं, ठीक है ना। और भाई ये जो आप अभी देख रहे हो ये इसके अंदर की पार्ट है, जैसे कि आप देख रहे हो पूरी तरह से एकदम सिंपल तरीके से मैंने जो रिकॉयल सिस्टम बना दिया एक रबर बैंड के थ्रू, ठीक है ना भाई, मैं हूँ जुगाड़ू। सो दोस्तों जब तक आप वो स्लो मोशन के वीडियो देख रहे थे उसी टाइम मैंने ये जो टैंक है इसको कंप्लीट कर दिया, मतलब जो जो प्रॉब्लम थी मैंने ठीक कर दिया, ठीक है ना। तो भाई देखो पहली बात जो है कि इसका जो ढक्कन है, साला ढक्कन उतर रही थी, मतलब सोचो यार इतना अच्छा टैंक है लेकिन ये ढक्कन साला उतर रही थी। तो मैंने क्या किया, इस ढक्कन के एक दो क्लिप बनाई ऐसी, जो बिंदी लगाते हैं ना वो वाला क्लिप नहीं, ये हमारा इंजीनियरिंग का क्लिप है, ठीक है ना मतलब बनाया। तो ये जो क्लिप है हमने यहाँ पे लगा देंगे इसको इसी तरह से, जब भी हम इसको लगा देंगे इस तरह से कुछ भाई लगा देंगे तो ये। और हाँ यहाँ पे मैंने एक स्क्रू भी मारा था, वो पहले मारा था लेकिन स्क्रू मारने के बाद भी ये उठ रही थी, मतलब उतर रही थी, तो मैं इसीलिए इसको ऐसे लगा दिया, ठीक है ना। तो अभी ये जो है देखो कुछ नहीं होगा, मतलब अगर ये खोल भी दे तो अगर ये खोल भी दे देखो अभी कुछ नहीं हो रही, ये देखो बहुत ही अच्छा, ठीक है। और ये जो ऐसी जो है इसको रखना ही पड़ेगा, वरना ये जो झटका है इसको संभालने के लिए ये कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों दूसरी जो बात है, मैंने देखो भाई देखो ये जो मॉडल है पर्टिकुलर मैंने इंडियन आर्मी की जो T-90 बेस में वो देख के बनाया है। और हाँ वो जो टैंक है ना उसकी बैरल बहुत ज़्यादा लंबी है, मैंने पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन रिकॉयल देखने के बाद मेरे को लगता है कि ऐसा एक पार्ट अगर हम लगा सके कुछ इस तरह से, तो अभी देखो भाई ये कुछ असली टैंक जैसा लग रही है, मतलब अभी ये सिर्फ इतना सा पीस लगाने के बाद ये जो टैंक है भी असली टैंक लग रही है। अभी जो दोस्तों क्या देखो इससे इसकी रेंज ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है इसका जो कैलिबर है और बैरल का जो कैलिबर है वो अलग है, तो इसीलिए ये बस एक पीस है जो दिखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि असली में जो बैरल है वो ऐसे ही है, ठीक है ना। और ये देखो रिकॉइलिंग भाई कितनी अच्छी है, ये देखो इसको ही रिकॉइलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी जो टैंक है हमारी पूरी तरह से तैयार हो गया और हमारी फ्लैग भी तैयार हो गया। अभी दोस्तों फाइनल टेस्ट करते हैं, और मतलब मैं तो खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ कि कैसे जब इसको फायर होगा मतलब कैसे दिखेगा। तो दोस्तों बकचोदी बंद करते हैं और चलो
फाइनल टेस्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। भाई खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि इस तरह की फुटेज मैंने भी ले लिया। वाओ भाई देखो, मतलब मैं ना इससे अपना आंख जो है मतलब हटा नहीं पा रहा हूँ। हाँ जो बात बोलना था भाई, ये जो है चीज देखो, पहले टैंक को सामने ले आते हैं। हाँ ये जो है, आप जानना चाहते हो ना इसके अंदर क्या है? भाई इसके अंदर जो फायरिंग हो रही है ना, ये थोड़ी क्लासिफाइड है, इसलिए मैं आपको पूरी तरह से नहीं बता सकता। और भाई हमारे इंट्रो में तो बोला ही हुआ है कि इसको घर में ट्राई मत करो। तो भाई देखो, लेकिन मैं आपको थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ। ये जो चीज़ है ना दोस्तों, इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर है। जो माइक्रो कंट्रोलर है वो जो हमारी जो ट्रांसमीटर की जो एनालॉग डिजिटल सिग्नल है, ठीक है ना, उसको एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफर करता है और उसी के थ्रू एक फ्यूज़ जलती है और फिर ये फायर हो जाती है। और बाकी का तो आपके इसका अंदर का पता ही है, मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकता भाई, मेरा माफ़ कर दो यार। बाकी का जो टैंक है भाई देखो, बनाने में बहुत टाइम लगा, लेकिन भाई देखो बनाने के बाद जो असली अगर जैसे चाहे वैसे काम अगर करें ना भाई, ये बनाने का जो इतना टाइम जो लगता है ना, ये कुछ मतलब खास नहीं लगता, क्योंकि बनाने का ही एक अलग इंटरेस्ट होती है। और भाई मतलब क्या बात है। और ये जो है दोस्तों, मैंने T90 के थोड़ी थोड़ी कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी भी चीज़ को परफेक्टली कॉपी कभी नहीं करता, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने एकदम कॉपी नहीं की, मैंने बस थोड़ी थोड़ी कॉपी करने की कोशिश की, ठीक है ना। तो दोस्तों देखो, आई होप कि आपको जो वीडियो है वो बहुत अच्छा है। अगर आपको टैंक पसंद है तो ये जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। मैं खुद इससे मतलब आँख हटा नहीं पा रहा हूँ, कितना अच्छा बना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को शेयर कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत टाइम लगता है ये बनाने के लिए, आपके लिए बनाते हैं। तो भाई इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो वीडियो है भाई देखो यार, थोड़ी सी भी शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दो, और अपने दोस्त भाई बंधु के साथ, अगर आपके कोई आर्मी के दोस्त है भाई उनके साथ भी शेयर करो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। बहुत ही जल्दी मैं टैंक ड्रोन के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, आर्मा ड्रोन के ऊपर। और तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही, भारत माता की जय।